संभल में बिजली महकमे की विजिलेंस टीम के गुंडई का मामला सामने आया है, जहां बिजली चेकिंग को घर में घुसी टीम ने बुजुर्ग को धक्का मार दिया। धक्के से गिरने के बाद मौत का आरोप है। मौत के बाद हंगामा हुआ है। मृतक के पुत्र ने हत्या की तहरीर दी है। मामला संभल कोतवाली के कोट गर्वी का है, जहां आज सुबह बिजली महकमे के विजिलेंस की टीम कबूतर विक्रेता फिदा हुसैन के घर पहुंची है। आरोपी की बिजली चोरी के आरोप में उसे ले जाने लगी। बुजुर्ग हाथ जोड़ता रहा और मौके पर मामला निस्तारित करने को कहा। जेई पर 10,000 रुपये मांगने का आरोप है। आरोपी के इतने रुपये दे पाने में असमर्थता जताने पर जेई ने बुजुर्ग को धक्का मार दिया। धक्के से गिरते ही बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद विजिलेंस टीम मौके से खिसक ली। परिजनों ने हंगामा काटा। शहर विधायक पुत्र सोहेल इकबाल के संग भीड़ SDM ऑफिस पहुंची, जहां मृतक के पुत्र ने पुलिस और जेई के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। चंद रोज के बाद SDM ने शव को पोस्टमार्टम को भिजवाकर PM रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जो विजिलेंस की टीम पहुंची थी सुबह मालूम हुई कि ना विजिलेंस की टीम पहुंची थी फॉर्म में, और वहां पर उन्होंने परिवार के ऊपर दबाव बनाकर और काफ़ी आपत्तिजनक अल्फाज इस्तेमाल करे, जिससे वो डर गए और वहां पर मौके पर ही गिर गए और उनकी मौत हो गई। यहां पर वो लोग आए थे SDM कोर्ट पर, यहाँ पर उन्होंने बहुत देर तक उनको बुलाया गया, लेकिन अधिकारी वगैरह आने में देर लगाई। हम लोग हम मौके पहुँचे, हमने बात करी तो अधिकारी वगैरह यहाँ आए हैं, हमने तहरीर लिख के दी है उन्हें, और विजिलेंस की भी मुस्तकिल शहर के अंदर दबाव बनाकर और ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, अवैध वसूली कर रही है, और बैंक डोर से जो है पैसे वसूले जा रहे हैं। 15-15 काम लिख के लाए जाएंगे, तारों को जाना वीडियो बनाकर और बाद में फिर उन वीडियो को डिलीट कर उनसे बैंक डोर से पैसे ले लिए जाते हैं। ये हरकतें हम मुस्तकिल हमारे सामने आ रही हैं। ये आपके पापा के साथ हादसा हुआ, क्या मामला है? ये थे, ये बिजली वाले आए, इन्होंने किवाड़ खुलवाए, इन्होंने धक्का दिया और पैसे मांग रहे थे। ये पैसे की डिमांड कर रहे थे कि पैसे तो है कि नहीं तुम्हारा, फिर कर देंगे हम तुम्हारा। और इनको इतने डॉक्टर साहब को बुलाने का, इतने हादसा आया तो दम हुआ, ये लोग मांग रहे हैं। क्या इन पर दबाव बनाया गया था? जी पैसे मांग रहा था 10,000 रुपये, 10,000 दे दो, तुम्हारा है कि नहीं मसला निपटा देंगे। अब कोई बिजली वाला आपके पास आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया। क्या हुआ आज सुबह सुबह लाइट वाला आ रहा और ये गेम इन्होंने किवाड़, हमारे ये गेम पीट है तो इन्होंने किवाड़ खोल दिए भाई ने। अब इनसे बोले तुम्हारे बोले तार लगे हुए हैं, तो ये बोले हमारे कुछ ऐसे तार थे नहीं लगे हुए, जब भी तो इनको धक्का दिया और ये गेम तार हमने भाग गए एकदम, और हमारे मरीज मर गए टेम पे गिनने से। कितने लोग आए हुए थे? 7 लोग थे। अच्छा, फिर पैसे मांगे, क्या मांग रहे थे? पैसे नहीं मांग रहे थे, क्या कहना, पैसे वैसे मांगे उन्होंने, थोड़ा सा गरम भाई होगी बात बोले आन के, बोले भाई होगी बात बोले, हमने ये कहना ये हाथ पैर भी जोड़ लाए थे बहुत, कया इन्होंने बोला हाथ जोड़ लिया हूँ मैं, पैसे ले लो बोले क्या कुछ कुछ कर लो बोले छोड़ दो। तार पड़ा हुआ था, पैसे दे रहे थे? नहीं, आपका नहीं था, पहले का था तो वो था बस, उसके हमारे हाथ पैर जोड़ लाए थे बहुत, क्या कहना नहीं कर रहे थे बोले चलो छोड़ो। क्या मामला है मोहल्ला कोर्ट में? बताया गया है कोर्ट मोहल्ले के लोग आए हुए थे, और सुबह जो है एक व्यक्ति की ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, और अभी हम लोग जो है उनका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, जिससे वास्तविक कारण जो है मृत्यु का पता चला लग सके। मामला ये था कि विद्युत विजिलेंस की टीम जो है जांच के लिए आई थी और घर में गई थी जाँच के लिए। इन लोगों का कहना है कि विजिलेंस की टीम की जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई जो है आपत्तिजनक थी, जिस प्रकार से उन्होंने डराया धमकाया लोगों को, और इसके अलावा उनका ये भी आरोप है कि विद्युत विजिलेंस की टीम ये कार्रवाई जो है दबाव बनाने के उद्देश्य से भी कर रही थी। तो ये सारे प्रकरण का तहरीर ले लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है, और जैसा जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। सर, परिजनों का आरोप ये है कि उनको धक्का दिया गया जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गए। जी, ये कहा है उन्होंने, और उनसे लिखित तहरीर भी हम लोगों ने ले लिया है। इस पूरे प्रकरण की जाँच की जाएगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई।